गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेजी जुआन 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। आलसी लड़का जुआन जो है उसके बारे में। अंडर द स्प्रेडिंग टैमरिंड ट्री, फैले हुए इमली के पेड़ के नीचे, लेजी जुआन विद हैट ओवर हिज फेस हैड स्लेप्ट द होल मॉर्निंग। लेजी जुआन उसके चेहरे पर हैट वह पूरी जो सुबह था वो सोता था। Suddenly he heard his mother, अचानक उसने अपनी माँ को सुना, मतलब माँ की आवाज को सुना। जुआन where are you, जुआन तुम कहाँ हो। Sleeping again, दोबारा सो रहे हो। You are the laziest boy I've ever seen, तुम सबसे आलसी लड़के हो जो मैंने हमेशा देखा है। You sleep the morning away while your father works hard in the field, तुम सुबह सोते हो जबकि तुम्हारे पिता जो हैं वो फील्ड में, मतलब खेत में कठिन हार्ड वर्क करते हैं। What shall I do with you, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। Still earning, अभी तक जमहाई लेते, अभी भी जमहाई। जॉन गॉट अप, जॉन उठ गया। रब्ड हिज आईज, अपनी आंखों को मलते हुए ही। एंड स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स लेजली, उसने अपनी आंखों को रगड़ा और अपने आलस से हाथों को फैलाते हुए। मदर मीट जॉन एट द डोर एंड सैड, मम्मी उसकी जॉन को गेट पर मिली और कहा गो टू द मार्केट एंड बाय सम साल्ट एंड 5 लाइव क्रेप्स, मार्केट जाओ और वहां से कुछ नमक और 5 जिंदा क्रैब मीस केकड़े लेकर आओ। डोंट प्ले ऑन द वे एंड कम बैक होम क्विकली, रास्ते में खेलना मत और जल्दी ही घर वापस आ जाना। लेजी जुआन टूक द मनी एंड बाज सोन हिज वे, और लेजी जुआन ने पैसे लिए और अपने रास्ते पर चल दिया। रीचिंग द मार्केट ही शा एन ओल्ड वूमेन सेलिंग क्रेप, मार्केट पहुंचकर उसने देखा कि एक ओल्ड वूमेन क्रेप बेच रही है, क्रेप मीन्स केकड़े। ही पिक्ड अप ए लॉन्ग स्टिक, उसने एक स्टिक लंबी स्टिक उठाई एंड पॉक्ड एट द क्रैब, और केकड़े पर चुभो के देखी उसको, चुभो के। हे अरे व्हाट आर यू डूइंग विद माय क्रैब, शाउटेड द वूमेन, वूमेन चिल्लाई अरे तुम ये मेरे केकड़े के साथ क्या कर रहे हो। आई वॉज ट्राइंग टू सी, मैं ये देखने का प्रयास कर रहा हूं इफ दे आर अलाइव, कि ये जिंदा हैं, जिंदा थे। प्लीज गिव मी 5 बिग क्राउलिंग वंस, सेड जुआन, कृपया मुझे, जुआन ने कहा कृपया मुझे इनमें से रेंगते हुए 5 बड़े केकड़े दे दो। आफ्टर गेटिंग द क्रैब टाइड टुगेदर, केकड़े को एक साथ बांधने के बाद, उनको टाइट बांधने के बाद, जुआन मूव्ड ऑन टू ए मैन सेलिंग साल्ट, जुआन एक नमक बेचने के वाले के पास गया। जुआन सेड, जुआन ने कहा इफ योर साल्ट इज रियली साल्टी देन गिव मी सम, यदि तुम्हारा नमक नमकीन है तो मुझे कुछ नमक दे दो। विद द क्रैप्स एंड ए स्मॉल बैग ऑफ साल्ट, जुआन जो था एक केकड़े और नमक की एक छोटी थैली के साथ, ही स्टार्टेड फॉर होम, वह घर के लिए चल दिया। ड्रिसलिंग मतलब सीटी बजाते हुए, ही पास्ड बाई द रिवर बैंक, वह एक नदी के किनारे के पास से गुजरा। सडनली अचानक, He heard his friends calling him, उसने अपने जो फ्रेंड थे अपने दोस्तों को उसे
बुलाते हुए उसने सुना। आपका फर्स्ट पेज ही कंप्लीट कर दिया है। अब आप बर्ड मीनिंग फिर कॉपी पर करेंगे सभी बच्चे। थैंक यू एवरीवन।